हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग एकदम बढ़िया होंगे और मैं भी एकदम मस्त हूँ। और आज है साल का आखिरी दिन और बस मैं ये आखिरी दिन में बस ये कहना चाहती हूँ कि जो ये साल था 2022 बहुत ही बेकार रहा है और बस मैं ये चाहती हूँ कि ये साल भूल जाएँ हम, जो आने वाला साल हो ना वो सबके लिए अच्छा हो, ये मैं प्रे करती हूँ। क्योंकि इस साल ने बहुत कुछ सिखा दिया और बहुत कुछ दिखा दिया है और हिम्मत नहीं है अब कुछ ऐसा देखने की। और बाकी ये कहना चाहती हूँ कि भगवान बस आने वाला जो साल है ना वो अच्छा रखना, अच्छे से वो साल रहे हमारा, ये मैं चाहती हूँ। और बाकी अभी तो 5:30 बज रहे हैं और हम लोगों ने डिसाइड किया है कि हम बाहर पे जाएंगे, थोड़ा पार्टी वगैरह देखेंगे क्या माहौल है यहाँ का। क्रिसमस तो ऐसे ही चला गया था, बाकी इस वाले को देखते हैं न्यू ईयर में क्या हाल है। और जो राहुल के सर लोग हैं ना, उन्होंने बोला है, उनकी फैमिली आई भी है ना यहाँ पर, तो फिर उन्होंने बोला साथ में कर लेते हैं, अकेले जाने का कोई फ़ायदा नहीं। क्योंकि हम पिछले बार ना अकेले गए थे और कुछ इन्जॉय नहीं किया था हमने और भीड़ बहुत ज़्यादा थी। इस बार भी बहुत ज़्यादा भीड़ होने वाली है इतना मैं जानती हूँ, मगर ये रहेगा कि साथ में कोई है, हम डांस भी नहीं कर पाए थे। अब इस बार वाला देखते हैं कैसा जाता है न्यू ईयर, मतलब लास्ट डे 31st हमारा कैसा जाता है। बाकी अगर मैं शूट कर पाई तो ठीक है, नहीं तो सर लोगों के सामने नहीं हो पाएगा। जितना भी हो जाएगा मैं शूट कर लूँगी और बाकी बाद में उसमें साउंड डाल दूँगी, ऐसा करूँगी या तो। और अभी 5:30 ही हो रहे हैं और 6:30 बजे तक हम लोग निकल जाएंगे और डिनर भी हम बाहर ही करने वाले हैं। बाकी तो राहुल सो रहे हैं, अभी मैं रेडी हो जाती हूँ। मेरे को रेडी होने में बहुत टाइम लगता है, खास करके कपड़े डिसाइड करने में, तो अभी तक मैंने कुछ कपड़े डिसाइड नहीं किए और सारे वही हैं पुराने में, कुछ कुछ लिया तो है नहीं नया। बाकी देखते हैं कि मैं क्या वेयर करती हूँ और आज कैसा जाता है हमारा 31st। होप अच्छा ही जाएगा, बाकी वहीं जाके पता लगेगा। तो मिलते हैं बाद में, बने रहेगा मेरी पूरी वीडियो में, ठीक है, बाय बाय। तो हम लोग अभी निकल रहे हैं पार्टी के लिए, देखते हैं आज कैसी पार्टी होती है, मिलते हैं। तो यहाँ मेरे बालों का कचरा होते हुए मैं टेढ़ा करके बैठी हूँ क्योंकि मैंने बॉडीकॉन ड्रेस पहनी है, इसलिए। ये भाई साहब हटे है, भाई साहब जगह नहीं बोल। आज बहुत ही ज़्यादा भीड़ होने वाली है, यहीं से दिख गया वो तो, और हम पता नहीं कितने देर में पहुँचेंगे। हम जल्दी पहुंच चुके हैं और हमेशा राहुल को जल्दी लगी रहती है, नहीं टाइम पर पहुंचना है, भले ही कोई पहुंचे ना पहुंचे, तभी कोई भी नहीं पहुंचा है और हम लोग ही सबसे पहले पहुंचे हैं यहाँ। तो ये कहना चाहता है कि हमें समय पे रहना पसंद है। कैसी लग रही हूँ मैं? मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम ज़्यादा स्मार्ट लग रहे हो। लोवर में रहते हैं और दिन आज बिल्कुल चकाचक बन करके। चलो हीरो लोग ऐसे रहते हैं, हीरो लोग। राहुल ने मुझे दिया है सरप्राइज, चल रहा है वो भी 1-2 घंटे बाद, और मैं ढंग से ड्रेसअप होके भी नहीं आई। मैं कुछ देर तो गुस्सा ही थी कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, और अब ठंडा हो गया गुस्सा तो मुझे अच्छा लग रहा है। तो देखते हैं कैसा रहता है क्रूज।
हमारी एंट्री जो है वो 8 बजे से है और हम लोग कितने लोग हैं, 9-10 लोग हैं और 8 बजे से एंट्री है और 12:30 बजे तक हम लोग खाना पीना और मजे करने वाले हैं, डांस। हम लोग वेट कर रहे हैं अभी, मतलब अब जब का कितने बजे स्टार्ट होगा, 9 बजे हम लोग, ये लोग इतने बेवकूफ़ है ना, 6 बजे से आ रहे हैं यहाँ पर और सोचा अभी 9 बजने वाले और अभी तक हम लोग बैठे हुए हैं पागलों की तरह, मतलब बैठे भी नहीं हैं अभी तक, तो हम चल ही रहे थे और अब जा कर के हम लोग बैठे हैं, इतना टाइम हो गया है। तो आज क्रूज में जाएंगे, तो अभी हम लोग लाइन में लग चुके हैं क्रूज के अंदर जाने के लिए, लाइन लग गई है। Baby, baby.
Was it good in 2022? We just get 2 minutes more. Just 2 minutes. Are you ready for the come down? Are you ready, people? Let me see everyone flashing your lights on of your phone. Flashlights on. Exactly when we have 1 minute left, all right? Exactly when we have 1 minute left. Requesting the crew members to switch off the lights of the cruise. Switch off the lights of the cruise, please. Switch off the lights of the cruise. Paging Riker. Paging Guttu. Are you still ready? Switch off the lights. Requesting everyone. 25, 15, 5, 4, 3, 2, आग लगा दी वहाँ, मगर गाने बहुत छड़े छड़े बज रहे थे, फिर भी आग लगा दी। तो अभी हम लोग घर जा रहे हैं। 12:30 हो गए, डेढ़ बज गए, डेढ़ बज चुके हैं, साढ़े एक बज चुके हैं। तो हम लोग अब घर जा रहे हैं और अब कल देखते हैं क्या होता है। 1st तारीख को भी तो कुछ करेंगे ना, करेंगे देखते हैं। पहले तो हम आज लेट उठने वाले हैं, उसके बाद ही देखेंगे क्या करते हैं। अभी घर जाते हैं। मेरे पैर और राहुल के पैर भी जवाब दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? नहीं हो सकता यार। पता है क्या, हमने गाड़ी बहुत दूर रख रखी है, बहुत दूर, हमें पता ही नहीं था कहाँ रखते हैं। और यहाँ अंदर भी रखते हैं, राहुल को पता ही नहीं था, ढंग से पता ही नहीं किया था क्या है सीन ये वो। और बहुत दूर रखा हुआ, और हम पैदल चल रहे हैं फुटपाथ पर। फुटपाथ पर पैदल चल रहे हैं, बगल में है समंदर। और हम झूमते हुए, आज हमने बहुत ड्रिंक करी है और खाना बहुत बेकार था यार, और महंगा बहुत था। ठीक है, नहीं फिर भी जितने उन्होंने पैसे लिए ना, उस हिसाब से कुछ करा नहीं। हम गाने बता रहे नहीं भाई, अपने मन से गाने चलाया जा रहा बंदा, वो भी गंदे गंदे इंग्लिश वाले गाने। इंग्लिश भी नहीं थे, वो अजीब ही कुछ थे। तो हम अपनी स्कूटी के पास पहुंच चुके हैं, अब हम जा रहे हैं घर। ओस पड़ चुकी है हमारे। अभी हमारा वाला रूट भी होगा बैठ, उस वाले से चलते हैं ऊपर वाले ऊपर की साइड से। तो हम लोग सही से घर पहुंच चुके हैं और अभी बज रहे हैं 7।
मॉर्निंग के 7 बज रहे हैं अभी। मजाक कर रही हूँ, हमारी घड़ी ख़राब है। और क्या बोलते हैं, अभी बज रहे हैं 2:30, 2:30 बज रहे हैं और हम सुबह आराम से उठने वाले हैं। और सुबह कहीं जाना भी है यार, मतलब यार देखते हैं आप कल का दिन कैसा जाता है। कल तो नया साल है, आज का साल हमने लास्ट में डांस करके निकाल दिया, और आने वाला साल को देखते हैं कैसा जाता है कल का वाला। तो अभी तो हम लोग घर आ गए, अब मिलते हैं कल, ठीक है, बाय बाय। हेलो गाइस, हैप्पी न्यू ईयर आप सभी को। और हमारी मॉर्निंग 23 की चाय के साथ हो रही है अभी, और बहुत लेट हो रही है, तो शायद हम पूरे साल लेट उठने वाले हैं। राहुल और मैं, ऐसा नहीं है, मजाक कर रही हूँ। तो वैसे हम लेट ही उठे थे क्योंकि रात को बहुत देर में हम लोग सोए हैं, और कल हमने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। मतलब पहली बार मैंने 31st मनाया और बहुत मज़ा आया मुझे डांस करके, और पैरों की तो बैंड बज चुकी है हमारे। तो 23 में मैंने ये रेवोल्यूशन लिया है कि मैं इस 23 में ज़्यादा व्लॉग बनाने की कोशिश करूँगी, इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगी। और मैं ये सोचती हूँ कि आपका सपोर्ट मुझे ऐसे ही मिलता रहेगा तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा। और बाकी, और कल पार्टी में पता है क्या हुआ था, मतलब बच्चे थे 2, एक तो थोड़ा हेल्दी सी थी, तो वो बार बार देख के खुशी हो रही थी, मतलब देखी जा रही थी, और तो मैंने उसे स्माइल दिया तब वो खुश हुई। और फिर एक और बच्ची आई थी, वो इंग्लिश में भाई मुझसे नाम पूछी, व्हाट इज़ योर गुड नेम, ऐसे करके सुनाई नहीं दे रहा था। तो एक बार उसने पूछा कि आपका नाम क्या है, तब वे मैंने अंजलि बताया। उसके बाद दोबारा से आई, फिर पूछ रही कि आपकी इंस्टा आईडी क्या है। अब भी मैं इतनी पार्टी में कुछ बोल भी नहीं पाई उसको, बस ये थी कि हाँ मैं उसे स्माइल कर रही थी। तो मुझे अच्छा लगा कि छोटे छोटे बच्चे आकर के मुझे पूछ रहे थे कि आपका नाम क्या है, इंस्टा आईडी क्या है, ऐसे वैसा। और हम, मतलब हम वहाँ पे सबसे ज़्यादा था, मतलब हम 2 कपल थे ना, तो जहाँ वहाँ का मैनेजर था शायद, वो हमारी बार बार ना फ़ोटो खिंचवा रहा था साथ में, मतलब अपने साथ वालों को बोल रहा था, मतलब उन लोगों के पास ना एक कैमरा था, तो फिर वो बार बार बोल रहा था कि मतलब हमें ऐसे करके फ़ोटो खिंचवा रहा था। तो काफ़ी अच्छा लग रहा था और मज़ा आया, काफ़ी मज़ा आया कल, बहुत इन्जॉय किया हमने। और एक बार फिर से आप सभी लोगों को हैप्पी न्यू ईयर, आपका ये पूरा साल अच्छा जाए, हेल्दी जाए और सेफ जाए, मैं ये आशा करती हूँ, और मेरा भी। तो मिलते हैं बाद में, अभी हम आज ज़्यादा तो कुछ नहीं करने वाले हैं, बाकी कल का और आज का व्लॉग मैं मर्ज कर दूँगी। तो अभी हम लोग ना एक बर्थडे पार्टी में जा रहे हैं, बस अभी यही है, फिर दिन में आ करके हम लोग आराम ही करेंगे, फिर शाम को देखते हैं छोटा मोटा प्लान बना करके, वो आपको मैं आगे व्लॉग में बता ही दूंगी। तो अभी रखते हैं, ठीक है, मिलते हैं थोड़ा बाद में, और व्लॉग में बने रहिएगा, पूरा व्लॉग दिखेगा। और सब्सक्राइब करना चैनल को, लाइक करना, और कमेंट भी करके बताना कि आपको मेरा न्यू ईयर व्लॉग कैसा लगा। बाय तब तक के लिए। तो हम लोग रेडी हो गए हैं और अभी निकल रहे हैं हम लोग बर्थडे पार्टी के लिए, कुछ गिफ्ट वगैरह भी देखना है, अभी छोटे बच्चे का बर्थडे है ना, तो अभी गिफ्ट वगैरह के लिए जा रहे हैं और फिर वहीं से निकल जाएंगे बर्थडे के लिए। तो हम लोगों ने गिफ्ट ले लिया है, और मतलब वो लिया है, क्या बोलते हैं, वो ब्रिक जैसा नहीं बनाते वो वाला लिया है, और उन्होंने 10% डिस्काउंट दिया, मगर हम बार्गेनिंग नहीं कर पाए यार, पता नहीं कब सीखेंगे हम बार्गेनिंग करना। हम जो रेट होता ना उसी में ले लेते हैं, राहुल से भी नहीं होती और ना मुझसे होती है। तो अभी चलते हैं बर्थडे में। गाइस शाम हो चुकी है, हम लोग बर्थडे सेलिब्रेट करके घर आ गए थे, और अभी हम जा रहे हैं मूवी देखने के लिए। सर्कस है मूवी का नाम,
रणवीर सिंह है इस मूवी में, तो देख के आते हैं। हम लोग मूवी देख के निकल चुके हैं और हम लोग एक क्या बोलते हैं ब्रिज के ऊपर खड़े हैं, पुल के ऊपर। तो मैं राहुल को बोल रही हूँ कि मुझे फाइनल डेस्टिनेशन वाली स्टोरी याद आ रही है, जल्दी जल्दी निकलो यहाँ से, मतलब भीड़ लगी है काफ़ी, देख सकते हो ये। और ये ब्रिज है, कुछ हो रहा है, क्या हुआ? गाड़ी का मतलब यार एक्सीडेंट हो रखा है शायद, और गाड़ी की तो हालत ख़राब है। मुझे लगता है उसको ना बहुत ज़ोर से लग गई है और एम्बुलेंस भी आ गई यहाँ पर। शायद जिसको चोट लगी हुई थी वो उसको लोग लेके चले गए हैं, मतलब एम्बुलेंस में उसको बैठाया ही नहीं, एम्बुलेंस वहाँ तक आई और फिर वहाँ से चली गई है। तो शायद जिसको चोट लेके लगी है वो उसको लेके जा चुके हैं। साल के पहले दिन देखो उसके साथ क्या हो रहा, इसलिए ड्राइव सेफ करें।